एक बहुत सिंपल सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, शायद आपकी जिंदगी में काम आएगी। स्टोरी एक माइंडसेट की स्टोरी, क्योंकि आज का जो थीम है वो है कि 100 गुड सीड्स फॉर बेटर टुमारो, फॉर ब्राइटर टुमारो, फॉर बेटर फ्यूचर, फॉर ब्राइटर फ्यूचर। तो क्या वो सीड हो सकता है जो हमारी जिंदगी में एक चेंज ला सकता है? एक सिंपल सी कहानी से समझिएगा। मान लेते हैं कि आपके सामने एक डॉग है, एक कुत्ता है, और आपके हाथ में छोटे छोटे मीट के टुकड़े हैं। आप एक सिंपल सा काम करते हैं, एक मीट का टुकड़ा कुत्ते की पारी तरफ फेंकते हैं। कुत्ता भागता हो जाएगा, उठाएगा, खाएगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा, मालिक एक और। आप वही एक मीट का टुकड़ा कुत्ते के राइट साइड में फेंकते हैं, कुत्ता भागता हो जाएगा, उठाएगा, खाएगा, फिर आपके सामने के खड़ा हो जाएगा। और जब तक आप ये काम करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, वो हर बार जाएगा, भागेगा, उठाएगा, खा लेगा, आपके सामने के खड़ा हो जाएगा। That's the mindset of dog, कुत्ते का दिमाग। अब अगर आपके सामने शेर है और आप एक मीट का टुकड़ा उसके बाई तरफ फेंकते हैं, तो शेर भागते नहीं जाएगा, वो आपको देखेगा, ये लगता तो तुम भी मीट का टुकड़ा ही है, तेरी तरफ आ जाऊं पहले। लेकिन फिर आप डरते हुए अगर राइट साइड में देखते हैं, तब भी शेर खुद का फोकस चेंज नहीं करेगा, वो आपकी तरफ देखेगा। क्योंकि शेर को पता है कि जो ये मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है छोटे छोटे टुकड़ों से, ये खुद भी एक मीट का टुकड़ा है। और दोस्तों, आपकी जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे मीट के टुकड़े बहुत होंगे। वो एक सेलिब्रेशन हो सकता है, एक हैंगआउट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई मूवी हो सकती है, वो भी कार्टून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यू मस्ट नो कि आपका गोल क्या है, क्योंकि आप जिंदगी में कहां तक जाएंगे, आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या होगा, डिपेंड करता है कि आपने कितना सेक्रीफाइस किया। जिंदगी का एक फॉर्मूला है, योर सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेक्रीफाइसेस एंड इनवर्स टू द नंबर ऑफ डिवाइसेस। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, वो सब डिवाइसेस हैं, आपने कितना सेक्रीफाइस किया। एक बहुत पुरानी बात है, ऐसा कहा जाता है कि राम, भगवान राम अगर अयोध्या नहीं छोड़ते ना दोस्त, तो भगवान कभी नहीं बन पाते। ये सेक्रीफाइस की बात है। और जब राम वनवास से वापस आते हैं, लंका जीत कर वापस आते हैं, तो सबसे पहले वो प्रणाम मां केकई को करते हैं, कौशल्या को नहीं। कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया, राम को जन्म दिया, लेकिन भगवान राम बनाने वाली मां केकई थी, सेक्रीफाइस करवाने वाली मां केकई थी। ये सेक्रीफाइस है दोस्त, और आप सेक्रीफाइस को समझ जाते हैं तो आप जिंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो जब भी आपके पेरेंट्स आपको ये कहें कि हम आपको ये चीज नहीं दे रहे हैं, तो दे आर हेल्पिंग यू टू बिकम समथिंग एल्स। वो आपको प्रमोट कर रहे हैं कि आप उसको सेक्रीफाइस करो, और तब आप रोने लगते हैं कि आप तो अच्छे पेरेंट्स ही नहीं हो। पेरेंट्स वो नहीं होते जो आप मांगो वो दे दे, पेरेंट्स वो होते हैं जो आपको उस चीज के काबिल बनाए जो आपकी औकात से बढ़कर है, और वो बिना सेक्रीफाइस के पॉसिबल नहीं है दोस्त। समय काफी कम है, बातें बहुत सारी थी मेरे पास में, बट आप भी बहुत समय से यहां पर रुके हुए हैं। आज की बात के साथ में खत्म करूंगा कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।